योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, योगी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, योगी का आचरण कैसा होना चाहिए, कपालभाति करते रहिए। ये तीन सूत्र कह रहा हूं। मैत्री किसके प्रति? दुखियों के प्रति। मैत्री करुणा, जो मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति मुदिता का भाव, और जो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनकी भी उपेक्षा करके उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसको डिसरेस्पेक्ट कर देना। उपेक्षा का मतलब किसी का अपमान नहीं है, उपेक्षा का मतलब है उस तरफ ध्यान नहीं देना, उसको नजर अंदाज कर देना। जो बात सुखी है उनके प्रति मैत्री का भाव रखो, द्वेष नहीं रखो उनसे कि ये सुखी क्यों है, समृद्ध क्यों है, ये विद्वान क्यों है, ये धर्मात्मा क्यों है, ये इतना यशस्वी क्यों है, इतना पराक्रमी क्यों है, इतना दानशील क्यों है, इतना पुण्यशील क्यों है, ऐसा सोच करके किसी से द्वेष मत करना। मैत्री करुणा, जो अलग अलग प्रकार से दुखी है, साधनहीन है, जो विद्याहीन है, हीन का मतलब नीचता नहीं है, न्यूनता जिनमें है विद्या की, साधनों की, जिनमें अलग अलग प्रकार के अभाव हैं, अभावों से, अलग अलग प्रकार के अन्यायों से, जुल्म ज्यादतियों से, कई प्रकार के इसके कारण हैं व्यक्ति के दुख और दरिद्रता के, जो भी कारण हो हमें सबके प्रति करुणा का भाव रखना है। मैत्री करुणा मुदिता, जो बहुत पुण्यशील हैं उनके प्रति मुदिता का भाव रखो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य, जो अपुण्यशील हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखो, बस आगे बढ़ते जाओ। बुरी बातों को नजरअंदाज करना है, बुरी बातों की तरफ ना ध्यान देना है और ना ध्यान दिलाना है, इसलिए मैंने कई बार कहा बुरी बातों की तरफ ध्यान दिलाना भी बहुत गलत काम है। कुछ लोग अपनी बुराइयों को बखान करते रहते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत अधर्म किया। अरे तू अधर्म किया तो अपना अपना धर्म अपना गु अपने भीतर रख, बाहर क्यों फैला रहा है? गाँव के लोग कहते भाई गु जितना फैलाओ उतनी गंध आती है उसके अंदर, दुर्गंध मत फैलाओ। समाज में बुरी बातों की चर्चा मत करो, बुराइयों की तरफ ध्यान मत दिलाओ, कोशिश करो बुराइयों से हमें हटना है, बचना है। ये बात सही है कि हमारे पास सामने हमेशा दो विकल्प होते हैं, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, हमें चुनना किसको ही हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें इन चीजों को नेग्लेक्ट करना है, नेगेटिविटी को, मुदिता उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, इससे हमारे चित्त में प्रसन्नता रहेगी, इससे जगत में प्रसन्नता रहेगी, दिव्यता रहेगी। तपः स्वाध्यायेषु प्रणिधानानि क्रियायोग, तप करो, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच में आगे बढ़ो, संघर्ष करो। तप, तप माने संघर्ष, तप माने सैक्रिफाइस, तप माने अपने पास जो कुछ है वो समष्टि की सेवा में लगा देना और जरा से भी विचलित नहीं होना, द्वंद्वों में, संघर्षों में, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, उनके बीच में अपने योग धर्म, अपने अध्यात्म धर्म में बरतते हुए, अपने स्वधर्म, अपने सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म का पालन करना, ये तप है। कुछ लोग बस खाली इतने समझते मैं तो अपना जप तप कर रहा हूं, बस अपना गायत्री कर रहा हूं, अपना योग कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, अपनी कोई पूजा पाठ कर रहा हूं, बस ये मेरा तप हो गया है। सब प्रकार का तप मैंने कहा सिद्ध होता है योग से,
शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का तप, दान का तप, युद्ध का, युद्ध भी एक तप है, युद्धस्व विकदत ज्वर, ये भी तप है। सब प्रकार की सेवा, संघर्ष करना, संघर्षों में भी सेवा नहीं छोड़ना, ये तप है। और अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना, आत्मविमुख नहीं होना, ये स्वाध्याय है। अपनी निजता से विमुखता नहीं, स्वाध्याय, अपने स्वरूप में बने रहना, योगस्थ रहना, ब्रह्मस्थ रहना, योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ये है स्वाध्याय, तपस्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान सब कुछ करके अहंकार नहीं करना, ये हमें सेवा का सौभाग्य मिला है। दान करके, योगदान करके भी ये मानना कि ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है। कोई भी हमें सेवा का अवसर मिले उसको अपना सौभाग्य मानना। हमने बचपन से ही ऐसा ही सुना था और ऐसे ही किया कि कुछ भी हमें सेवा करने का अवसर मिला उसको सौभाग्य माना, उसको बोझ नहीं माना, भार नहीं माना।